जो बाड़मेर की 36 गांव की जनता का जो मानस था, जो भावना थी, 15 साल के इस विधायक के जो कार्यकाल से जो लोग दुखी थे, पीड़ित थे, उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और उनके दिमाग में कहीं था कि इस बहन को, इस बेटी को अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से हम उसका साथ देंगे और बाड़मेर की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन जिस तरीके से निर्णय हुआ, मैं आपको कहूंगी कि टिकट कटना बड़ी बात नहीं है। टिकट तो कई बार कटता है, बहुतों का कटता है, मांगते कई है, टिकट एक को मिलता है, बाकियों की कटती है। लेकिन जिस तरीके से कटा, जिस तरीके से काटा गया और जिस तरीके से परिवार के मान सम्मान की बात आ गई, जिन रामदान जी और गंगा राम जी को 36 गांव के लोग उनके काम के कारण याद करते हैं, उनकी ईमानदारी के कारण याद करते हैं, उनके एक भाव संभाव के कारण याद करते हैं, उनके परिवार पे जब आंच आई उंगली उठी, तो वो बात मेरे यहाँ आत्मा में लगी और मेरे आंख से आंसू निकले। वरना इलेक्शन हारने की कसर रही नहीं थी। 2013 का इलेक्शन में मैं जब पीछे रह गई थी कुछ मतों से, तब भी मैं नहीं रोई थी। बहुत सारे बुजुर्ग थे जो गंगाराम जी के साथ काम करते थे, उनकी आंखों में पानी था। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उनकी आंखों में पानी था, लेकिन मैंने, मेरी आंख में पानी नहीं आया। मैं रोई नहीं, मैंने कहा क्यों, चुनाव है, हार गए, हार जीत होती रहती है, एक हारेगा एक जीतेगा, रो मत। सबकी हिम्मत बंधाई उस पर, उस पर कमजोर नहीं पड़ी मैं, क्योंकि गंगाराम जी ने हमेशा यही सिखाया कि मेहनत करते रहो, संघर्ष करना है तो करना पड़े, लेकिन मेहनत करने में कमी नहीं रखनी, अपना काम बड़ा करो, किसी की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो कि आपको आगे आने से कोई रोक ना सके। ये गंगाराम जी के संस्कार थे कि उन्होंने कहा, हमेशा कहते थे कि आपके लिए कोई कुछ भी बोले, कितना भी गलत बोले, कितना भी खराब बोले, लेकिन आप उसके लिए कभी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसके लिए कभी कोई गलत बात नहीं बोलोगे, आप कभी उसको अपशब्द नहीं बोलोगे। और ये तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, क्योंकि भगवान राम भी किसी से नहीं बचे थे, बहुत लोग गंगा राम जी को भी भक्त तो सुनाते थे और वो चुपचाप सुनते थे। ये मैं छोटी थी तब देखती थी और वही सीख उन्होंने मुझे दी थी। आपने सबके मुंह से इस बहन के लिए कुछ ना कुछ सुना होगा, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ एक शब्द भी कभी नहीं कहा, क्योंकि ये गंगा राम जी का